किसी भी प्रोडक्ट में ना सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके खत्म हो जाने से रिलेटेड है। मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है उसके सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना रोल प्ले करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है और किस तरीके से लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई फैक्ट्री है किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पेन है, इस पेन की कोई फैक्ट्री है, मतलब जहां पे मास स्केल में पेन को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, पेन जहां पे बनाया जाता है, तो यहां से क्या होता है कि इस फैक्ट्री से, ये जो फैक्ट्री है जहां पे पेन बन रहा है, यहां पे सबसे पहले क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो उठाते हैं सामान। क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करता है, रिटेल आउटलेट को जाके देता है। रिटेल आउटलेट जिसको मतलब कन्फेक्शनर शॉप कहते हैं और किराना स्टोर हिंदी में कहते हैं, जिसको आप समझ लीजिए किराना की दुकान जहां पे आप सामान खरीदते हैं उसी को रिटेल आउटलेट कहते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितने स्टेप में हो रहा है, पहला क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है जो सीधे के सीधे फैक्ट्री से उठा रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है वो, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसको ये रिटेल आउटलेट में दे रहा है जिसको किराना शॉप कहते हैं, जहां से हम और आप जाके सामान खरीद के लेके आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब कहानी क्या है, अब क्लाइमेक्स आ रहा है स्टोरी में। स्टोरी अब ये है कि दो तीन ऐसी बी टू बी टेक्नोलॉजी कंपनी आ गई है, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो उनको टेक कंपनीज भी कहते हैं और टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं। ये क्या करती है, जैसे रिलायंस जियो मार्ट हो गया या उड़ान हो गया, रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान क्या करती हैं, सीधे के सीधे फैक्ट्री से सामान उठाती हैं और उसके बाद वो रिटेल आउटलेट में जाके बेच देती हैं। अब इसमें कहानी ये हो रहा है कि जब ये सीधे फैक्ट्री आउटलेट से सामान उठा के और रिटेल आउटलेट को देंगी ना, तो ये काफी सस्ते में दे देंगी, क्योंकि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर है वो सामान खरीदेगा, कुछ प्रॉफिट लेके वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ पैसा लेके उसको बेचेगा रिटेल आउटलेट में, और वहां से फिर वो कुछ प्रॉफिट लेके पब्लिक को देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बीच के दो दो लोग थे ना, जिसको जैसे क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये दोनों तो खत्म हो गए, तो इनको सस्ता भी मिल जाता है। कैसे सस्ता मिलता है वो मैं बताता हूँ। नॉर्मल आप समझिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो यदि 100 पेन खरीद रहे हैं किसी फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जहां से सामान बनाया जा रहा है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वहां से वो यदि 100 पेन खरीद रहे हैं, तो यहीं पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इतने ज्यादा पैसे हैं इनको, इनके पास, रिलायंस जियो मार्ट हो गया या उड़ान हो गया, ये 1 लाख के आसपास पेन खरीद लेंगे। और एक आपको कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये कहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सामान आप खरीदेंगे ना, जितना बल्क में खरीदेंगे उतना सस्ता मिलता है आपको। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा से, तो जो 100 पेस्ट खरीद रहा है उसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा पर पेस्ट, और पेस्ट या पेन जो भी कोई भी सामान आप ऐड कर लीजिए अपने दिमाग में, जैसे पेन ही है, कोई 100 पेन खरीद रहा है तो उसको पर पेन ज्यादा कॉस्टिंग आएगी, लेकिन जो 1 लाख पेन खरीद रहा है एक साथ बल्क में, उसको कम कॉस्टिंग आएगी, और चूंकि उसको कम कॉस्टिंग आएगी तो कम पैसे में बेचेगा, कम पैसे में बेचेगा तो जो ये रिटेल आउटलेट वाले हैं वो उसी से खरीदेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों खरीदेंगे। दूसरी बात यह है कि इनके पास, ये जो रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान बता रहा हूं मैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि लॉस में भी सह के ना बेच देते हैं। वो क्यों करते हैं, यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। रिलायंस जियो का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब वो आया था मार्केट में तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी लिया था जियो का सिम, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने जितने मंथ भी दिया सबको फ्री कर दिया, और इससे क्या हुआ कि जो छोटी मोटी और भी कंपनियां थी, टेलीकॉम कंपनियां, वो सब खत्म हो गई। अभी देखिए मर्जर हो गया है वोडाफोन आइडिया का, और इसके बावजूद कुमार मंगलम ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम यहां से एग्जिट कर जाएंगे इंडिया से। तो ले देके अब बचा है आपके पास एयरटेल और जियो, तो अब जियो धीरे धीरे अपना दाम बढ़ा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एक तरह से ना प्रेडेटर प्राइसिंग। प्रेडेटर प्राइसिंग क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिएगा कि इतना कम हम अपना सामान का दाम कर देते हैं ना अपने मार्केट में बने रहने के लिए, कि बाकी जो भी जितनी आपके आसपास जितने कंपटीटर हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी हो रहा है।
अभी तक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, अब आर्टिकल के मूल बात पे आते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है तालोर, और वो आता है नंदर नंदरवार डिस्ट्रिक्ट में। नंदरवार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का नंदरवार डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एक जगह है तालोर। उन लोगों ने क्या किया है, वहां का जो आउटलेट है, रिटेल आउटलेट, उन्होंने एक पेस्ट की कंपनी, कोलगेट की कंपनी है, उसको बाइकआउट कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो ये रिलायंस जियो मार्ट था या उड़ान था, वो डायरेक्ट वहां से कोलगेट उठाता था, और जो लोकल रिटेलर हैं या जो आउटलेट रिटेलर हैं, रिटेल आउटलेट में सीधे सीधे बेच देते थे। तो अब जानने वाली बात यह है कि वो क्यों इस बात का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिटेल आउटलेट में यदि कोई रिलायंस जियो मार्ट खरीद रहा है या उड़ान खरीद रहा है, ये बड़ी कंपनी है, तो कम पैसे में दे देंगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जो वहां के बेचने वाले थे, जो रिटेल आउटलेट वाले थे, वो सेम कम्युनिटी के थे, और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इनके रिलायंस जियो मार्ट के आने से और उड़ान के आने से बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए थे। तो उनकी लाइवलीहुड को बचाने के लिए इन्होंने कोलगेट कंपनी का बाइकाट कर दिया है कि हम कोलगेट लेंगे ही नहीं। तो ये कहानी है। अब इस पे राइटर ये बोलते हैं कि कुछ फायदे भी हैं। कस्टमर को कैसे फायदा है, ये मैंने आपको ही बताया था। जैसे मान लीजिए कि किराना शॉप वाला जो पेस्ट ही, मान लीजिए कोलगेट 100 ग्राम का कोलगेट है, वो 55 रुपए में बेच रहा है, और उसने डिस्ट्रीब्यूटर से कितना में खरीदा होगा? 45 रुपीज में खरीदा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर उसको कितने में खरीदा होगा? फैक्ट्री से 40 रुपए में खरीदा होगा। तो लेकिन यदि हम रिलायंस जियो मार्ट की बात करें या उड़ान की बात करें, तो ये लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे 40 रुपए में खरीद के, और ये जो फैक्ट्री आउटलेट है, सॉरी जो रिटेल आउटलेट है, उसको कम पैसे में बेच देंगे। जहां पे ये 45 रुपए में खरीद रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वहीं पे वो 40 रुपए में उसको बेच देगा। तो जो फैक्ट्री, ये क्या बोलते हैं, रिटेल आउटलेट जो है, उसके पास तो 5 रुपए बच गया। मतलब जहां पे वो 45 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है, वहीं पे 40 रुपए में वो खरीद रहा है रिलायंस जियो मार्ट वाले से। और हो सकता है कि वो यदि 40 में खरीद रहा है तो पेस्ट को 50 में बेच दे, तो इससे कस्टमर को भी फायदा है। लेकिन राइटर ये बताते हैं कि ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करते हैं थोड़ा घाटा सह के, और जब लोग उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर फेल हो जाता है, तो फिर वो कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो पैसा बढ़ाना चालू करेगा, जिस तरीके से रिलायंस जियो अभी कर रहा है। रिलायंस जियो अपना पैसा बढ़ा रहा है, यही काम जोमेटो और स्विगी वाले ने भी किया। स्टार्टिंग में गाजर का हलवा, मुझे जहां तक याद है, 50 रुपए में वो लोग होम डिलीवरी करते थे, होम डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेते थे। अब ये जोमेटो और स्विगी वाले भी धीरे 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 अपना मतलब कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है उनको कहीं से ना कहीं से। तो अब ये कह रहा है कि ये जो रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान जो है, इस पे क्यों लोग इतने डिपेंडेंट हो रहे हैं, और खास करके जो रिटेल आउटलेट वाले हैं वो क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इसका दो रीजन बताते हैं राइटर। पहला रीजन ये बताते हैं कि इसमें देखो कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। इनका एक एप्लीकेशन होता है बड़ा सिंपल सा, उस एप्लीकेशन के तहत जितना इनको जरूरत पड़ती है फोन से सब कुछ मंगा लेते हैं, मतलब फोन से ही सब कुछ रेगुलेट कर सकते हैं सिंपल एक एप्लीकेशन के द्वारा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये उड़ान और रिलायंस जियो मार्ट जो भी है ना, ये क्रेडिट भी दे देते हैं, मतलब उधार भी दे देते हैं सामान, मतलब ये रिटेल आउटलेट वालों को सामान उधार भी दे देते हैं। तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, अपना लॉस सह के उधार दे देते हैं, क्योंकि ये मार्केट बना रहे हैं अपना। तो एक डेटा दिया है इन्होंने कि पिछले 5 साल में जियो मार्ट और रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान ने ना 5,000 करोड़ लॉस में चल रहा है, 5,000 करोड़ घाटे में चल रहा है पिछले 5 सालों से। और इसके पास पैसा आया कहाँ से है? तो इनके पास FDI का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। ये रिलायंस जियो मार्ट की बात करते हैं कि अमेरिकन पेंशन फंड से इनके पास पैसा जाता है FDI के थ्रू। तो राइटर एक मतलब कॉमिक तरीके से बात करते हैं कि अमेरिकन सीनियर सिटीजन अपने पेंशन से हमारे पेस्ट को सस्ता कर रहा है। सस्ता इसलिए कर रहा है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है हमको, लेकिन वो हमेशा सस्ते में तो मिलेगा नहीं। लास्ट में राइटर यही बताते हैं कि देखो ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं ना, बड़ी कंपनी, वो इस तरीके से अपनी पॉलिसी अपना रहे हैं कि जो भी छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, ये सब खत्म हो जा रहे हैं। तो हालांकि जिसको प्रेडेटर प्राइसिंग कहते हैं, ऐसा प्राइस कर दो कि आपके आसपास कोई कंपटीटर रहे ही नहीं, इसी को प्रेडेटर प्राइसिंग कहते हैं। USA में इसके खिलाफ जांच चल रही है। इंडिया में राइटर यही बताते हैं कि इंडिया में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही है, तो इंडिया में भी इस तरीके की जांच होनी चाहिए,
ताकि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं ये खत्म नहीं हो जाए और एक वाइड स्प्रेड लाइवलीहुड हमारा तबाह नहीं हो जाए, क्योंकि एक बंदा सिर्फ पैसा कमाएगा बाकी सब खत्म हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है। तो इंडिया को भी कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे वाइड स्प्रेड लाइवलीहुड हमारा बचा रहे और जो ये इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो गए हैं मिला जुला के।